प्यारे दोस्तों, जब भी आपने किसी को कार सिखानी है तो उसमें दो बातों का आपने खास ध्यान रखना है, क्योंकि अगर आप दो बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपका कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। जैसे ये कार है, इसमें सबसे पहले जो आपने बात याद रखनी है कि जिसको भी सिखाना है उसको ब्रेक सिखाओ, क्योंकि अगर वो ब्रेक नहीं सीखेगा कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगा। दूसरा, अगर गियर में है कार, ठीक है, तो क्लच दबा के उसको न्यूट्रल कीजिए, फिर आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है, वरना गाड़ी आगे जाएगी। जैसे मैं आपको डेमो करके दिखाता हूँ, देखो ये गाड़ी है, इसको मैं खोलता हूँ, आप देखिए ये गाड़ी है, मैंने ये गाड़ी को मैंने क्लच में डाल दिया। एक मिनट, ये पहला क्लच है, इसको मैंने डाल दिया। अब मैंने इसके ऊपर क्लच के ऊपर पैर नहीं रखा, ठीक है, अब मैं इसको चलाता हूँ ना, ये गाड़ी आगे जाएगी, ये गाड़ी आगे गई, तो हो सकता है कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो। देखो एक बार फिर करके देखता हूँ, अब थोड़ा सा इधर हो जाइए, हल्का सा पीछे हो जाइए। देखो मैंने कुछ नहीं किया, इसके ऊपर गलती मैंने क्या किया कि इसके ऊपर पैर नहीं रखा, तो इसको स्टार्ट करेंगे, गाड़ी आगे जाएगी, ठीक है। तो आपने हमेशा ही जिसको सिखाना है उसको कहो कि जब भी गाड़ी स्टार्ट करनी है क्लच के ऊपर पैर रखो और इसको न्यूट्रल करो, न्यूट्रल करके आप स्टार्ट करो, गाड़ी आगे नहीं जा रही। अब इसको फर्स्ट गियर दो, हल्का सा इसको, हल्का सा गियर क्लच को छोड़ो, गाड़ी आगे जाएगी, ठीक है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है हर हालत में ध्यान रखनी है। जब भी आपने गाड़ी स्टार्ट करनी है उसको न्यूट्रल में, आपका गियर न्यूट्रल में होना चाहिए, और कभी भी अगर वो गियर में है तो गाड़ी आगे भागेगी, ये बात याद रखनी है। दूसरी बात, अब ब्रेक की है, ब्रेक के ऊपर प्रैक्टिस होनी चाहिए। जैसे मैं एक डेमो करता हूँ, उसमें सबसे पहले एक व्यक्ति को आगे रखूँगा, उसके आगे मैं ब्रेक लगाऊंगा, ऐसी 2-3 बार प्रैक्टिस करो तो आप ब्रेक को हैंडल करना सीख जाओगे। क्योंकि अगर आप ब्रेक नहीं सिखाओगे तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाए। तो लेट्स गो, आओ बंद, एक व्यक्ति को आगे रखो, विक्रम जी आप आगे आ जाइए, जैसे विक्रम जी आ रहे हैं आगे, जैसे ये विक्रम जी हैं आप सामने देख रहे हो, ये आ रहे हैं, मैंने गाड़ी चला दी, ठीक है, जैसे मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ, मैं गाड़ी चला के आ रहा हूँ, गाड़ी उठ गई है, ठीक है, तो ऐसे आपने स्टार्ट करना है, ठीक है जी, ओके, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग हो गई है गाड़ी।